हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे दोस्तों। और आप देख सकते हैं आप दोस्तों, अभी मैं अपने किचन में हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि दिवाली आ रहा है दोस्तों, और अभी जो है घर की जो सफाई शुरू हो गई है, क्योंकि दिवाली जो है बहुत जल्द ही है, देरी नहीं है। वो क्या है कि 31 तारीख को ही दिवाली है, 31 अक्टूबर को, आपको पता ही है। तो आप लोग तो सभी लोग 2 दिन मनाएंगे ही, वैसे तो कहा जाए 3 दिन मनाएंगे, एक दिन धनतेरस होता है, फिर दिवाली, छोटी दिवाली होता है, तो 3 दिन मनाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने अपने किचन को काफी अच्छा से खींच खींच कर साफ किया है। इसमें काफी मरम्मत लगा दोस्तों, और सफाई करते करते लेट हो गया, मैं थक भी गई दोस्तों काफी, क्योंकि अकेले जो है आप खुद से पानी लाओ, चढ़ो उतरो, तो काफी देर हो जाता है। तो मैंने खींच खींच कर अच्छे से साफ किया दोस्तों, सब तरफ को देख सकते हैं आप, काफी क्लीन करके मैंने सब तरफ को क्लीन अप कर दिया है। किचन वाला काम तो मैंने साफ कर दिया है, रोज एक एक करके रूम को साफ किया जाएगा तो होगा दोस्तों। और अभी काफी थका देने वाला काम होगा, क्योंकि आपको रोज जो है घर की जो है कोने कोने को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि दिवाली आ रही है। और कहा जाता है माता लक्ष्मी जी को साफ सुथरा जगह काफी पसंद है। जैसे कि देख सकते हैं मेरे पर्दे में वो सुन रही है इनको बता रहे हैं। तो उसके बाद होगा पूजा रूम की सफाई, और वो भी मैंने कर दिया है आगे, लेकिन बाकी थोड़ा बाकी रखा हुआ है मेरे छोटा सा मंदिर में, इसको भी साफ कर लेंगे। तो दोस्तों अभी सफाई तो लगा ही रहेगा, कि दिवाली तक जो है काम रुकता नहीं है। घर की सफाई करो, बर्तनों की सफाई करो, अरे कोने कोने को साफ कर करो। तो मैं साफ कर रही हूँ दोस्तों, आप लोग मगन बताइएगा आप लोग कैसे कर रहे हैं। बाय बाय।